बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फोर पार्ट्स गिवन है और हमने इन चारों सेट्स के बारे में यह बताना है कि इन चारों सेट्स में से किस किस सेट पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट पार्ट सेट है जिसका एलिमेंट है जीरो। क्लोजर प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जिसमें हम किस सेट में से कोई एलिमेंट पिक करें, उस पर डिजायर्ड ऑपरेशन अप्लाई करें, जैसे इस केस में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों ऑपरेशन अप्लाई करके हमने चेक करने हैं। तो इस सेट के एलिमेंट पर जब ऑपरेशन अप्लाई करें तो रिजल्टिंग एलिमेंट भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम कहेंगे कि इस सेट पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सो अब इस पर्टिकुलर केस में एक एलिमेंट है जीरो। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं। जीरो को जीरो में प्लस करें, आंसर इज जीरो विच बिलोंग्स टू द सेट। इसका मतलब हुआ कि जब हमने इस सेट से कोई एलिमेंट पिक किया, उस पर ऑपरेशन अप्लाई किया उसी सेट के एलिमेंट को लेकर, यानी जीरो था, जीरो पिक किया, ऑपरेशन अप्लाई किया उसी सेट के एलिमेंट पर, आंसर आया, उसको चेक किया कि क्या वो बिलोंग कर रहा है इस सेट से जो अंडर डिस्कशन है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। लिहाजा इस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करते हैं। जीरो को जब जीरो से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज जीरो विच बिलोंग्स टू द सेट जिसमें एलिमेंट है जीरो। सो वी कैन से सेट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। यानी अगर उस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये सेट क्लोज है अंडर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन जो कि इस केस में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दिए गए थे। सेकंड पार्ट सेट है वन। एक सेट जिसमें एलिमेंट है वन, सिंगलटन सेट है। अगेन अब एडिशन के लिए हम चेक करते हैं। पहले वन को जब वन पे ऑपरेशन अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वन प्लस वन, आंसर इज टू विच डजंट बिलोंग टू दिस सेट। टू इस सेट में मौजूद नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जब हम उस सेट का कोई एलिमेंट पिक करें, यानी वो तमाम सेट, उस सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स पर ये होल्ड करना चाहिए। वन को जब वन पे एड किया, आंसर आया टू, टू बिलोंग कर रहा है, सॉरी टू डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। सो हम कहेंगे कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। अब वन को जब वन से मल्टीप्लाई किया, रिजल्टिंग एलिमेंट वन विच बिलोंग्स टू दिस सेट, उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। सो सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन बट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। यानी ये सेट अंडर एडिशन क्लोज नहीं है बट अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोज है। दो पार्ट्स कर लिए हमने। थर्ड पार्ट है सेट जिसमें एलिमेंट है जीरो एंड माइनस वन। सिंस माइनस वन प्लस माइनस वन, आंसर इज माइनस टू, डज नॉट बिलोंग टू जीरो माइनस वन। यानी एक ऐसा सेट जिसमें जीरो माइनस वन मौजूद है, रिजल्टिंग एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं कर रहा, सो अंडर एडिशन क्लोज नहीं होगा ये सेट। मल्टीप्लीकेशन में जब हम माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर आ रहा है वन, और वन जीरो वन से बिलोंग नहीं कर रहा। यानी कैसा सेट जिसमें जीरो और माइनस वन मौजूद है, उसमें वन मौजूद नहीं है, सो वन डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। सो वी कैन से द सेट इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन, आल्सो नॉट क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अब देखिए मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं प्रॉपर्टी को कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जब हम इस सेट में से एलिमेंट पिक करें, कोई से एलिमेंट के लिए नहीं बल्कि तमाम एलिमेंट्स के लिए ये रिजल्ट होल्ड करना चाहिए।
अब देखिए, अगर मैं जीरो को जीरो में ऐड करता हूं, आंसर आता है जीरो, बिलोंग कर रहा है जीरो माइनस वन इस सेट में। इसी तरह अगर मैं जीरो को माइनस वन में ऐड करवाऊं, आंसर आएगा माइनस वन, अगेन बिलोंग कर रहा है इस सेट जीरो माइनस वन से। लेकिन जब माइनस वन को माइनस वन से ऐड किया तो आंसर आया माइनस टू, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स पे ये रिजल्ट होल्ड करना चाहिए, तमाम एलिमेंट्स के लिए, हम सिर्फ इसी बेस पर नहीं कि ये वाला तो जीरो को जब जीरो में ऐड किया तो बिलोंग कर रहा है, जीरो को माइनस वन में ऐड किया तब भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन माइनस वन को जब माइनस वन में ऐड किया तो बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए हम कहेंगे कि ये अंडर एडिशन, इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में भी बिलोंग नहीं कर रहा, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट रिजल्ट दे रहा है जो कि उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, सो दैट इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली फोर्थ सेट हम चूज करते हैं वन माइनस वन, इस पर चेक करते हैं इसी प्रोसेस को। सिंस जब माइनस वन को माइनस वन में ऐड किया तो आंसर आया माइनस टू, डज नॉट बिलोंग टू वन माइनस वन, बट वन इंटू वन वन रिजल्ट वन बिलोंग्स टू वन माइनस वन, माइनस वन इंटू वन आंसर इज माइनस वन, ये भी बिलोंग कर रहा है, माइनस वन इंटू माइनस वन आंसर प्लस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट। एंड सिमिलरली जब माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो वो रिजल्ट भी होल्ड कर गया। सो सेट इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन बट क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो आप इसमें कोई सा भी चेक कर सकते हैं कि आंसर अगर बिलोंग करेगा उस सेट से तो वो क्लोज होगा सेट अंडर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, अगर आंसर उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो सेट क्लोज नहीं होगा। ये हमने चेक कर लिया इसको एक छोटा सा वे, लेकिन ये नॉर्मली टू या थ्री या कुछ स्मॉलर एलिमेंट्स के लिए होल्ड करता है ये वे जो अब मैं आप यहां बनाने लगा हूं। जो एलिमेंट्स आपके पास हैं उसको इस तरह से आप एक टेबुलर फॉर्म में लिख लें। यहां पर ये ऑपरेशन से हमने एडिशन के लिए चेक किया, जब वन को वन में ऐड किया आंसर आया टू, वन को माइनस वन में ऐड किया आंसर आया जीरो, माइनस वन को वन में ऐड किया आंसर आया जीरो, माइनस वन को माइनस वन में ऐड किया आंसर आया माइनस टू। दिस वन इज रिजल्टिंग एरिया। अगर इस एरिया में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा आ जाता है जो उस पर्टिकुलर सेट में मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए भी बना के चेक कर सकते हैं और तमाम बाकी जो सेट्स हैं उस पर आप ये टेबुलर वे में भी चेक कर सकते हैं, टेबल बनाकर कि क्या सेट क्लोज है या नहीं है।